भारत के चंद्रयान 3 ने अपने चंद्र मिशन में चंद्रमा की सतह पर अभूतपूर्व खोजें की हैं। मिशन का हिस्सा प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास हुई तत्वों का पता लगाया है। इसरो ने अब तक की सबसे बड़ी खोज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सल्फर की है। रोवर ने एल्युमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की उपस्थिति का भी पता लगाया है। इसरो ने इन खोज के बाद यह पुष्टि की है कि ये खोज चंद्रयान कार्यक्रम में एक बड़ा मील का पत्थर है। इन खोजों में रोवर पर लगे लेजर प्रतीत ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप के जरिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर 23 अगस्त को लैंडिंग के साथ ही चांद पर खोज नई चीज़ों की पता लगाने लगा था। कभी दुर्लभ तस्वीरों को भेजता है तो कभी नए तत्वों की खोज कर रहा है। इसरो चीफ एस सोमनाथ इस बारे में लैंडिंग के वक्त ही स्पष्ट कर चुके हैं कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर टच डाउन भी सबसे बड़ा टास्क नहीं है। आगामी 14 दिनों में चांद पर क्या क्या खोज करना है यह सबसे अहम होगा, क्योंकि इसरो की पूरी रिसर्च और मेहनत इसी पर टिकी है। प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर सल्फर की खोज करना विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि यह चंद्रमा पर एक अपेक्षाकृत दुर्लभ तत्व है। दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में इसकी उपस्थिति जल बर्फ के अस्तित्व का संकेत दे सकती है, जो भविष्य के चंद अभियानों में संभावित मानव कॉलोनियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण कारक है। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधियों से उत्पन्न होता है और चंद्रमा पर इसकी उपस्थिति चंद्रमा के इतिहास और संरचना का पता लगाने में मदद कर सकती है। रोवर ने चांद की सतह पर भ्रमण के दौरान अन्य तत्वों की खोज भी की है। रोवर को चांद पर एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम के संकेतों का भी पता लगा है। इसके अलावा मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की उपस्थिति का भी पता चला है। इन तत्वों की चांद की सतह पर पुष्टि हमारे मौजूदा ज्ञान को बढ़ाती है। इन तत्वों की उपस्थिति चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास और भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए संभावित संसाधनों के बारे में सुराग दे सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये खोज कितनी बड़ी है। चांद पर इन तत्वों की खोज से यह निष्कर्ष निकलता है कि चंद्रमा की मौलिक संरचना और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। फिलहाल इसरो हाइड्रोजन की मौजूदगी को लेकर जांच कर रही है। यदि यह भी पाया जाता है तो संभावित स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन में बढ़ती रुचि को देख सकेंगे। यह एक महत्वपूर्ण खोज होगी। अगर रोवर चंद्रमा पर हाइड्रोजन की खोज करने में कामयाबी हासिल कर लेता है तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसका उपयोग ज़्यादातर तेल शोधन और रासायनिक उत्पादन के लिए किया जाता है। चंद्रमा पर इसका पता चलने से अंतरिक्ष में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावनाएं भी खुल जाएंगी। बता दें कि लगभग 6 हफ्ते पहले लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा पर अपनी सफल लैंडिंग से दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किया है। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा पर विभिन्न तत्वों की उपस्थिति और प्रचुरता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, चंद्र पर्यावरण की हमारी समझ में योगदान देना और भविष्य के अन्वेषणों में मार्ग प्रशस्त करना है। ये निष्कर्ष ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।